बसो मेरे नैनन में नंदलाला, बसो मेरे नैनन में नंदलाला, बसो मेरे नैनन में नंदलाला, नैनन में, नैनन में नंदलाला, बसो इस धरती पर पांव रखते ही भक्ति और प्रेम का अंतर मिट जाता है। यहाँ दसों दिशाओं में नटखट नंदलाला की पग ध्वनि सुनाई देती है। ये वही पवित्र ब्रज की भूमि है जो श्री कृष्ण की लीलाओं का धाम है। इस धरती ने पूर्ण परमेश्वर का सबसे सुंदर स्वरूप देखा है। लीलाधर कृष्ण का हर स्वरूप मनमोहक है। उन्हें जिस रूप में चाहें, जिस रूप में पूजें, उसी रूप में उनके दर्शन होते हैं। बार बार पैया पड़ू ब्रिज की नगरिया रे, ब्रिज की नगरिया पिया घुमाई दी जोरे, पिया घुमाई दी जोरे बिहारी लाल जी के दर। ब्रज क्षेत्र में पग पग पर मधुसूदन ने लीलाएं रची हैं और लीलाधर का एक ऐसा ही स्वरूप है वृंदावन बाके बिहारी लाल का। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है और साथ सज रही है विषभान की दुलारी। राधे राधे। आज हम वृंदावन में बाके बिहारी जी के मंदिर में हैं। आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो असीम है, अपरंपार है। उसको जानना, उसको समझना इतना आसान नहीं है। भगवान कृष्ण के जो एक रूप है उनको सखा रूप में, भाई रूप में, उनको पिता रूप में भी लोग मानते हैं। तो हम पंडित जी से ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि पंडित जी द्रौपदी की उन्होंने लाज बचाई भगवान कृष्ण ने, साथ ही साथ उन्होंने बाल लीलाएं भी की, और इसके अलावा अगर हम देखें तो राधा जी का अनोखा प्रेम जिसमें हम राधे कृष्ण कहते हैं, तो इस लीला का मैं ज़रूर चाहूँगी जो इनके अलग अलग रूप हैं इसके बारे में वर्णन करें। देखिए, द्रौपदी की लाज बचाई क्योंकि द्रौपदी जी ने ठाकुर जी को अपना, जिस समय कोई उसकी सहायता नहीं कर रहे थे तो ठाकुर जी को पुकारा कि मेरे कन्हैया आके मेरे को बचाओ, क्योंकि स्त्री की लाज ही स्त्री का धन है, गहना है। और ठाकुर जी ने तुरंत उस समय अपने भक्त की पुकार सुन के तुरंत आए और उन्होंने चीर जो है उनकी जो साड़ी है वो बढ़ाते चले गए। ऐसे ही जब आपके देखिएगा मीरा है, ठाकुर जी को एकदम प्रेम में इतनी भाव विभोर हो गई कि ठाकुर जी के अंतर्गत में ही जाके वो समाहित हो गई, क्योंकि उनके राणा जी ने उनको विष का प्याला दिया तो उन्होंने वो भी ठाकुर जी का प्रसाद समझ के वो भी ग्रहण कर लिया, और उसके बाद में भी वो चलते रहे, उनको कोई वो नहीं। और जब वो समाहित हुए तो ठाकुर के अंतर्गत में ही जाके समाहित हो गए। ऐसे ही यहाँ ठाकुर जी का राधा का और कृष्ण का जो प्रेम है वो एकदम निश्चल है, मतलब उनके मन में कोई भी वो नहीं है कि हमको कुछ प्राप्त हो। जो प्रेम राधा और कृष्ण का है वो हमारे संसार में दिखाने के लिए है कि प्रेम का मतलब है पाना नहीं, प्रेम का मतलब है त्याग करना,